ठीक गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज साक्षी एंड एज यू नो वी हैव स्टार्ट टू डिस्कस अबाउट द प्लेट्यू सो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द गाल, मेघालय प्लेट्यू जो हमारा लास्ट प्लेट्यू बजता है सेंट्रल uh, हाईलैंड का उसके बारे में हम जानेंगे उसके बारे में हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी हिल्स इंक्लूड हैं जो मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले कौन कैसी कैसी हिल्स हैं वहाँ पे तो फिर भी मैंने आपके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने आपके लिए एक मैप मैपटॉप किया है बनाया हुआ है ताकि आप इससे अच्छे से समझ जाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दैट इज मेघालय मेघालय प्लेट्यू तो जो मेघालय प्लेट्यू है वो एक्चुअली वो भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना ये भी पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट रहता है तो इसमें जो इंक्लूड होंगी वो हिल्स इंक्लूड होती हैं जैसे मैंने आपको बताया था गारो खासी चैतिया राइट वो हिल्स जो हैं इसमें इंक्लूड होती हैं तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रही हूँ गारो खासी हिल और जैतिया चेंटिया हिल और एक हमारी जो रहती है दैट इज मिकिर हिल मिकिर हिल तो आप देख पा रहे हैं ये जो हिल्स हैं जो ये चार हिल्स हैं ये इंक्लूड होती है मेघालय प्लेट्यू में और मैंने इनकी लोकेशन भी आपको बताई थी कि जब मैं शुरू कर रही थी इंडियन ज्योग्राफी तब मैंने इनके बारे में आपको स्टडी करवाया था तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं मैंने प्लेलिस्ट लिस्ट बना के इंडियन जियोग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट लिस्ट बना के रखी हुई है आप उसमें जाके देख सकते हैं तो चलिए अब हम जानते हैं कि यहाँ पे पेनसुलर प्लेट्यू कौन सा पार्ट रहता है सो लेट्स यहाँ पे जो ये वाला पार्ट रहता है दिस दिस रीजन राइट This region is called Peninsular Plateau. Peninsular Plateau. ये रहता है हमारा पेनसुलर प्लेटू अब हम बात करेंगे कि मेघालय और शिलोंग जिसको हम बोलते हैं वो मेघालय प्लेटो को शिलोंग प्लेट्यू के नाम से भी जाना जाता है तो लेट्स कि कहाँ जैसे है तो ये यहाँ जो ये पॉइंट है यहाँ पे रहता है हमारा मेघालय और वी कैन से आल्सो शिलोंग आपको क्वेश्चन सिलोंग प्लेट्यू के नाम से भी यहाँ पे अराइज हो सकता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पे और नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि ये एक्सटेंडअप कहां से कहा तक हुई है तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है हमारा राइट ये जो पेनिनसुलर पेनेसुलर प्लेट्यू हमारा ये मेघालय सिलोंग से जो राजमहल हिल्स हैं राइट राजमहल हिल्स से आगे पूर्व तक मतलब ईस्ट तक फैला हुआ है ये रीजन राइट कहाँ तक एक्सटेंड है ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है कहाँ तक अप हो रहा है मेघालय और वीकेंड से ऑल्सो मैंने आपको बताया शिलोंग तो मैंने यहाँ पे एक ही राइट डाउन करी हूँ नेम आप लिख लीजिएगा जो प्लेट्यू है इससे जो राजमहल जो राजमहल हिल्स रहती है हमारी राजमहल हिल्स उनसे आगे मतलब यहाँ पूर्व तक इस तक जो ये फैला हुआ है यहाँ तक फैला हुआ है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू आप ये वाला एरिया इसका पेनेंसुलर प्लेटू का फैला हुआ है अब देखते हैं कि अब ये जो गैप बच रहा है, ये जो गैप बच रहा है, ये किस तरह से कवर हुआ है किस तरह से ये कवर होगा यहाँ पे तो मैं आपको बताती हूँ जो गारो राजमहल गैप इसको बोलते हैं, ठीक है गारो राजमहल यहाँ पे लिख दे रही हूं गारो राजमहल राजमहल है क्या ये हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं राइट राजमहल इसको कैप के नाम से जाना जाता है यहाँ पे गारो राजमहल कैप के नाम से इसको यहाँ पे ये यह जो गैप है इसको जाना जाता है और ये जो गैप है वॉर्म बाय द डाउन फॉल्टिंग यहाँ पे क्या हुआ है एक्चुअल में ये जो एरिया है ये कुछ सेडिमेंट्स डिपोजिट हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से गंगा और ब्रह्मपुत्र जो रिवर्स हैं वो ला इसमें गिरा देती हैं तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा जो ये दो रिवर्स हैं ये जो दो रिवर्स हैं ये क्या करेंगी अपने जो इनके सेडिमेंट्स हैं रिवर के सेडिमेंट्स ये जो रिवर्स हैं इनके बी कैन से ऑल्सो डिपोजिशंस एंड आ, सेडिमेंट्स तो ये क्या करेंगी इसमें यहाँ पे जाके गिरा देंगी और ये जो मालदा गैप के नाम से काफी फेमस है ये चीज़ मालदा गैप के नाम से भी जाना जाता है तो मैं यहाँ पे साइन लगा के लिख दे रही हूँ मालदा गैप से ऑल्सो मालदा गैप तो ये जो है वो फेमस है काफी किसके लिए राइस के लिए अब जहाँ पानी होगा और एलोवियल सॉइल रहेगी अब ये जो सेडिमेंट्स रहेंगे मैंने आपको बताया था जो सेडिमेंट्स जो जैसे बाढ़ आती है राइट तो ये क्या करेंगी सेडिमेंट्स ब्रह्मपुत्र बाढ़ लाती है राइट और जो गंगा है वो भी उसकी वजह से भी फ्लड आता है तो ये जो है ये डिपोजिट जो लाती हैं अपने साथ ये इसमें गिरा देती हैं ठीक है चीके? और जो मालदा गैप है वो भर गया और ये जो यहाँ पे जो डिपॉजिट होंगे वो काफ़ी एलोवियल होंगी आपकी सॉइल उनकी वजह से एलोवियल सॉइल रहेगी जिसकी वजह से हम इसमें खेती अच्छे से कर पाएंगे और कौन सी राइस की खेती यहाँ पे काफ़ी फेमस रहती है राइस की खेती तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द आइकन ताकि आपको आ, नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे तो गैस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग